खिमलासा पुलिस के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं से अभद्रता को लेकर बीना थाने पहुंचे विधायक व जिला अध्यक्ष पुलिस अधिकारियों से की कार्रवाई की मांग। दरअसल खिमलासा पुलिस के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की गई अभद्रता को लेकर बीना विधायक महेश आए भाजपा जिला अध्यक्ष गोरख लोटिया बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ बीना थाने पहुंचे और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी व प्रभारी मंत्री से फोन पर चर्चा कर खिमलासा पुलिस पर कार्रवाई की मांग की। विधायक महेश आय का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ता जो भाजपा कार्यक्रम में शामिल होने बिना आ रहे थे, तभी खिमलासा थाना प्रभारी एवं पुलिस जवान ने अभद्र भाषा का प्रयोग कर अभद्रता की, जिसकी जानकारी कार्यकर्ताओं ने आकर दी। अभद्रता को लेकर भाजपा नेता कार्यकर्ता बीना थाने पहुंचे और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों व प्रभारी मंत्री से फोन पर चर्चा कर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं मामले में खिमलासा थाना प्रभारी प्रशांत सेन का कहना है कि किसी प्रकार की अभद्रता नहीं की गई और कल शनिवार को एक स्थायी वारंटी को पकड़ा था और खिमलासा थाने में महेंद्र सिंह बार बार मिलने की कोशिश कर रहे थे और उनकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से यह शिकायत की गई है। कार्यक्रम रखा था और बड़ी संख्या में खिमलासा मंडल के कार्यकर्ता भी ना आ रहे थे। उसमें पूर्व युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष महेंद्र मरना, साथ में खूब सिंह और कुछ और कार्यकर्ता थे, रास्ते में आ रहे थे तो पुलिस ने उनको रोक के उनके साथ अभद्रता की। तो उनने कहा हम भारतीय जनता पार्टी की बैठक में जा रहे हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी का नाम सुन के वो पुलिस वाले, उसमें TI प्रशांत सुमन, प्रशांत सेन और एक कोई यादव नंदे यादव, इन दोनों ने कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। ऐसी बहुत सी भारतीय जनता पार्टी देखी है, पार्टी का नाम लेके भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। आज उसी को लेके जब उन कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी कहानी बताई है कि हम लोगों को पुलिस ने प्रताड़ित किया, आज हम लोगों ने एक साथ इकट्ठे होकर थाने में आए, SP से बात की और प्रभारी मंत्री जी से बात की है और उन्हें हमें आश्वासन दिया है कि हम आज उनको हटा दें।